अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सबको ठीक ठाक? मेरे पीछे गाड़ी आप देख रहे हैं, चंगान की अल्सवेन उर्फ असलम। ठीक है, चलें वीडियो करते हैं इसकी शुरू। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, वीडियो आपने देख ली। उस दिन जो दिखा रहा था वो थी वाइट और ये है सिल्वर। अब इसके जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये थ्रोलेस जी, बहुत ज़्यादा है, देख लिया आपने। अच्छा जी, तो ये है इसकी बैक सीट्स और इसमें हम बैठ के देखते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा ही लेग रूम है इसमें। ये मेरा ख्याल है ये फुल पीछे है सीट इसकी, और फिर भी आप देख सकते हैं जो है इसके अंदर मैं बहुत ईजीली, और माशाल्लाह मेरी हाइट जो है वो भी ठीक ही है, इतनी कम नहीं है। और अगर आप स्पेस देखें हेड की, तो वो भी बैठने के बाद भी काफ़ी जो है वो रीज़नेबल जो है वो स्पेस है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आदमी जो है वो पीछे बहुत ही कंफर्टेबल होके जो है ना वो बैठ सकता है। ठीक है, ये है जी गाड़ी का पूरे का पूरा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है आपको। मतलब कि आप गाड़ी के अंदर बैठे तो आपको वाकई मज़ा आएगा कि यार एटलीस्ट बहुत ही डिसेंट जो है इसका इंटीरियर उन्होंने बनाया। मुझे तो बहुत पसंद आया भाई साहब। अब आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है और कैसा है इसका इंटीरियर। तो बाकी आप कह रहे थे बोट की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, बोट स्पेस आपने देखनी है तो ये देखेंगे, गाड़ी के अंदर बोट स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अंदर उन्होंने जो है इसकी टीशर्ट भी दी हुई है साथ में, ठीक है, चंगान की क्या। और ये जो है इसको आप उठाएं तो इसके नीचे जो है वो आपको जी, ये आप उठाएं तो इसके नीचे आपको जो है ना वो स्पेयर टायर मिल जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन जो है ना, माशाल्लाह ये तो गाड़ी अभी बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसमें आप कम अज़ कम भी आराम से जो है वो तीन चार तो ब्रेक के आराम से रख सकते हैं। ये रहा जी इसका इंजन। मैंने इसका बोनट उठाया तो वाकई मुझे पता चला कि जो है ना बोनट उठा रहा हूँ बहुत हैवी था जी। इसमें एबीएस लगा हुआ है, इसके अलावा जो है इसमें इसकी जो माउंटिंग है इंजन की वो भी ज़बरदस्त है। अगर आप गाड़ी की जो है वो एजेस वगैरह देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाकई जो है ना ये चाइनीज़ गाड़ी है। नहीं तो आपको पता है पाकिस्तानी में जो पाकिस्तान में जो नई चाइनीज़ गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पार्ट्स हैं, आपको जगह जगह जो है ना वो वेल्डिंग में मसला नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नज़र आएगी चीज़ों में। तो ये तो मुझे लग रहा ही नहीं है कि ये वाकई चाइनीज़ है। ये रहा इसका सनरूफ। उस दिन जो है इसके ऊपर जो है वो स्टिकर लगा हुआ था तो नहीं खुल सका ना, तो ये देखें ज़बरदस्त चीज़ है उन्होंने बनाई। अच्छा जी, गाड़ी आपने देख ली है, ठीक है, ये मैं बैठा हूँ गाड़ी में, आपको ज़बरदस्त दिख रहा है। और इसका स्टेयरिंग जो है वो आप देखें, यहाँ से नीचे से जो है ना इन्होंने बिल्कुल वो स्ट्रेट कर दिया है एजेस, और सनरूफ आप देख लें बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर इन्होंने बटन दिया हुआ है पुश पे जो है इसको बंद कर सकते हैं, ये मैंने अभी छोड़ दिया है और ये जो है ना सनरूफ इसका बंद हो जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना फुल ऑप्शन गाड़ी इन्होंने बनाई है। अच्छा जी, तो गाड़ी का आपने बाहर से तो देख लिया, इसका मैं आपको ये जो है ना डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पेस दी हुई है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो है ना भाई साहब A1 कमाल कर दिया, ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त है। इसका RPM आपको डिजिटल नज़र आ रहा होगा, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो जो है ना वो डिजिटल आपको नज़र आएगा।
लेकिन कहीं भी एक्सीडेंट देने के बावजूद भी कहीं भी जो है ना वो गाड़ी में कोई मसला नहीं है, और इसका जो है वो पावर स्टीयरिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही कमाल का है। एक सिंगल जो है वो आप फिंगर के साथ इसको जो है ना मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो आपने देख ली, आपको बहुत मज़ा आया होगा, तो मुझे जो है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखनी हैं। जो भी आप देखना चाहें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।